हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की हम इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाले हैं डोर हिंज की, और अगर हिंदी में बात करें तो कब्जों की। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करने वाला है 4 इंच के हमारे पास जो हिंजेस हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये देख सकते हो, ये हमारे पास 3 इंच का जो बॉक्स है उसमें आपको 20 पीस मिलते हैं। तो ये बेसिकली 3 इंच का है, तो हम लोग आगे आपको 4 इंच का भी दिखाने वाले हैं, और क्वालिटी आपको सेम मिलेगी क्योंकि कंपनी आपको सेम ही देखने को मिलती है। तो दोनों बॉक्सेस एक ही कंपनी के हैं। तो देख सकते हो पूरा इसमें 3 इंच के 20 पीसेस का इन्होंने पूरा सेट दिया है। और अगर क्वालिटी की बात करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, और नॉर्मली आप इनको अपने खिड़कियों के पल्लों को लगाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। काफ़ी स्मूथ तरीके से ये हैंडल हो जाते हैं। तो इन्होंने देख सकते हो आप इसमें पाउडर भी मिक्स किया है ताकि हमारे जो हिंजेस हैं उन पे जंक ना लगे और इनकी साइन ऐसी बनते रहे। तो ये देख सकते हो, ये 3 इंच का आपको दोनों साइड आपको ट्रिपल होल देखने को मिल जाता है। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, और बेसिकली ये आयरन होने वाले हैं और स्टील फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है इनके हिंजेस। तो गाइस, आपको हम वीडियो में 4 इंच का दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली ये देख सकते हो, हमने दूसरा बॉक्स ले लिया है और इसमें हमने 4 इंच का आपको पूरा देखने को मिल जाता है, और इसमें 10 पीस आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, हैवी है ये 3 इंच के हिसाब से, और इसमें नॉर्मली आप लोग देख सकते हो 4-4 आपको होल देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप लोग वो पता होगा, दरवाजे थोड़ा सा खिड़कियों के मुताबिक भारी होता है, तो इसके लिए हम 4 इंच का यूज करते हैं। आप लोग 5 इंच का भी यूज कर सकते हो, बाकी हम एक दरवाजे पे 3 इस्तेमाल करने वाले हैं, तो 4 इंच से आसानी से हमारा जो डोर है वो हैंग हो जाएगा, तो हमको 5 इंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ध्यान ये दें कि जब भी आप लोग हिंजेस लें, कब्जे लें, तो अपने दरवाजे के वेट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि बहुत बार देखने को ये मिलता है कि हल्के क्वालिटी के ले लेते हैं और वो बाद में दरवाजे को झुका देते हैं। तो देख सकते हो पूरी डिटेल आपको इनकी कंपनी की जो भी है वो दिया गया है बॉक्स में, और ये 3 इंच का आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये आपको पूरा 20 का पाउच मिलता है, तो इसमें पूरे 20 आपको यूनिट मिल जाते हैं। बाकी आपको 75 mm इसमें इसकी जो भी अगर लंबाई कहें तो वो है। बाकी आप लोग देख सकते हो 4 इंच में आपको लगभग 100 mm की इसकी थिकनेस मिलेगी। तो गाइस, वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हमने दरवाजों पे इसी का इस्तेमाल किया है। तो गाइस ये देख सकते हो, ये हमारा जाली वाला दरवाजा है और ये हुडन का हमने इस्तेमाल किया है। बाकी सारा आपको देख सकते हो SS का इसमें पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। तो मैंने सारे प्रोडक्ट की वीडियो एंड रिव्यू वीडियो बना रखी है, तो आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो, ये मेन दरवाज़ा है, ये कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, पूरा SS का हमने पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। और वुडन का हम पूरा ये हैंडमेड दरवाज़ा है। तो गाइस ये देख सकते हो, ये हमने दूसरे साइड का दरवाज़ा, सेम दरवाज़ा हमने जाली वाला, और फिर मेन दरवाज़ा ये कुछ इस तरह का। तो बेसिकली बात करें तो ये डबल बादाम का हमारे पास डोर है जिसमें डबल बादाम लगे हैं, एक साइड आपको बाहर की तरफ दरवाज़ा जाली वाला खुलेगा, बाकी अंदर की तरफ बात करें तो ये मेन दरवाज़ा आपको खुलेगा। दोनों दरवाजे पर हमने 3-3 इस्तेमाल किए हैं, देख सकते हो आप। तो बेसिकली अगर इनको हैंग करने की बात करें तो आप लोग 2 इंच के जिप्सम पेज इस्तेमाल में ला सकते हो, आसानी से आपका दरवाज़ा हैंग कर लेता है। और स्मूथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिल जाता है,
और फिनिश देखो तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।